इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 20। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 20। इसके बाद मुआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई और अम्मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हसासोन तामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम वासियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इसराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनवाकर कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व कोई और विपत्ति हम पर पड़े, तब भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इसराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया, देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला दे रहे हैं। हे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवीय को, जो जोकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मतन्याह के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया, और कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। बिहान को वे सवेरे उठकर ताको के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो,
अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता के शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेर के पहाड़ी के देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथे हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। सो वे सारंगिया, विनाए और तुरहिया बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। और जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इसराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह राज्य करने लगा, तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिल्ली की बेटी थी। और वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उसने उससे न मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही किया, और वह करता रहा। तो भी उच्च स्थान ढाए न गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर न लगाया था। और आदि से अंत तक यहोशापात के और काम हनानी के पुत्र एहू के विषय उस वृत्तांत में लिखे हैं, जो इसराइल के राजाओं के वृत्तांत में पाया जाता है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इसराइल का राजा अहजह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबेर में बनवाए। तब दोदावाह के पुत्र मारेशा बाशी एलियाजार ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत कही कि तूने जो अहजह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। सो जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके।